आज की क्लास में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। स्विच स्टेटमेंट जो है कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आता है और ये मल्टी वे ब्रांचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। हमें स्विच एक कीवर्ड है और इसके बीच में एक इंडेक्स पास करना होता है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक सिंटेक्स लिख रहा हूँ इसको, इसलिए इंडेक्स को मैं एंगुलर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। एंगुलर ब्रैकेट में लिखे हुए कंटेंट को आपको रिप्लेस करना होता है, क्लियर है? तो ये आपका स्विच का सिंटेक्स है और साथ ही साथ आप यहाँ पर इनके बीच में केस क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल केसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। केस के साथ आप इंडेक्स लिखेंगे और कोलन लिखेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट वन, और पहले केस ब्लॉक को ब्रेक से आप क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर केस सेकंड, और इस तरीके से केस एन। आप जितना भी केस बनाना चाहें बना सकते हैं। लास्ट में आपको एक डिफॉल्ट केस बनाना होता है। अगर यहां पर दिए हुए इंडेक्स की मैचिंग किसी भी केस से नहीं होती है तो डिफॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ये स्विच केस का स्ट्रक्चर है, क्लियर है? तो यहाँ पर आप जो भी इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे वो इनको मैच करेगा और केवल ये वाली ब्रांच जो है वो मल्टीपल ब्रांच में से केवल एक ब्रांच रन होगी। ये स्विच केस का स्ट्रक्चर होता है। तो आइए देखते हैं कि स्विच केस को हम C++ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए स्विच केस में हमने कोई C++ में हमने कोई डेट बनाया है और डेट में हमने इनपुट लिया, जैसे मैंने डेट D1 बनाया और कोई डेट मान लीजिए D1 में मैंने डेट लिया 3 दिसंबर 2020, ये मेरी डेट है। तो आपको इसका मंथ कैलकुलेट करना है, कौन सा मंथ चल रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है या प्रिंट करना है। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि अगर मैं डेट दूंगा 3/12/2020 तो मुझे मंथ में आउटपुट मिलेगा दिसंबर, क्लियर है? तो ये मुझे आउटपुट में चाहिए और ऐसा करने के लिए मैं स्विच केस को इम्प्लीमेंट करूंगा अपने क्लास डेट के अंदर। तो आइए हम C++ की स्क्रीन पर जंप करते हैं और डायरेक्ट वहां पर कोड कर करके स्विच केस के बारे में एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। एक सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जो है वो जाएगी क्योंकि हम C++ में स्विच कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन पर यहाँ पर आपको टर्बो C++ की एक स्क्रीन दिखाई दे रही है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम डेट वाली जो क्लास है सेम कोड हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्लास बनाया डेट नाम से और डेट के अंदर आपको पता है कि डेट का स्ट्रक्चर हम कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने इंट डीडी एमएम और वाईवाई लिया। मैं बार बार कोड कर रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए ये चीज। पब्लिक के अंदर मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पर नॉर्मली उसको डिफॉल्ट वैल्यू से स्टोर करा देते हैं। डिफॉल्ट जो डेट होगी हमारी डीडी होगी 1, या मैं 0 कर देता हूँ 0, एमएम जो होगा वो भी 0 होगा और वाईवाई जो होगा वो भी 0 होगा। तो मैंने तीनों को 0 दे दिया यहाँ पर। 0 देने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि void get date, हम डेट को इनपुट ले रहे हैं यहाँ पर। डेट को इनपुट लेने के लिए हमें फिर से वो कोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा cout
एंटर डी डी या डी डी लिख देते हैं सीधा, एंटर डी डी, सी इन में मैं लिखूंगा डी डी, फिर एम एम और वाई वाई को भी मुझे इनपुट लेना है इसलिए मैं इसको सीधा कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट फिर वाई वाई के लिए भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने तीन बार पेस्ट कर दिया है, पहला जो है डी डी लेगा, दूसरा जो है एम एम लेगा और तीसरा वाई वाई लेगा। ये इनपुट डेट वाला जो कोड है ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पर void show, show क्या करेगा, हमारा जो डेट है वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो शो करने के लिए हम लोग एंडल और मैं यहाँ पर डी डी, उसके बाद जो हमारा सिंबल है ये वाला सेपरेटर जो है डी डी के बाद, उसके बाद एम एम, और उसके बाद वाई वाई। ये मेरा जो आउटपुट है वो मैंने डेट में दे दिया है। अब सिंपल सी चीज है कि मैं यहाँ पर अभी कुछ भी ओवरलोड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं यहाँ पर void main लिख करके डेट को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, डेट को प्रिंट कराने के लिए अभी हमने कोई भी फंक्शन का यूज नहीं किया है यहाँ पर, जो स्विच का यूज नहीं किया है हमने। तो देखिए मैं यहाँ पर डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, डेट डी वन और डी टू, मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए। फिर डी वन डॉट गेट डेट, फिर डी टू डॉट गेट डेट, मैंने डी वन और डी टू में गेट किया, उसके बाद डी वन डॉट शो और डी टू डॉट शो कर दिया, ताकि मुझे दो डेट यहाँ पर प्रिंट होकर के मिले। क्लियर? तो यहाँ पर मैं एक हैंडल भी लगा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पर कोड देख सकते हैं, काफी सिंपल कोड है, इसको हम रन करा के देखते हैं। अभी स्विच केस का यूज हमने नहीं किया, तो पहली डेट में दे रहा हूँ 1 दिसंबर 2020 और दूसरी डेट में दे रहा हूँ 1 नवंबर 2020 और दोनों डेट को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दिया। देखिए 1 दिसंबर 2020 और 1 नवंबर 2020। अब मैं चाहता हूँ कि डेट से मंथ प्रिंट हो, मैं क्या चाहता हूँ डेट से मंथ प्रिंट हो, तो इस काम को हम स्विच केस से करेंगे। क्लियर? कैसे करेंगे देखते हैं। ये नॉर्मल कोड था जो हम पहले भी कर चुके हैं, अब स्विच केस को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपनी क्लास डेट में। तो आइए देखते हैं, हमारी जो क्लास है डेट नाम की, यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं पहले। तो जैसे हमने शो फंक्शन बनाया वैसे एक फंक्शन बनाते हैं, void show month या शो अंडर स्कोर मंथ। मैंने शो अंडर स्कोर मंथ नाम की एक क्लास बनाई, डेट फंक्शन बनाया है, और यहाँ पर हमको फंक्शन में क्या करना है कि स्विच केस लगाएंगे हम। स्विच में इंडेक्स क्या पास करेंगे, mm, जो भी आप मंथ सेट किए हैं यहाँ पर आया होगा mm में, आपने जो भी मंथ सेट किया होगा नवंबर दिसंबर वो mm में आ गया होगा इस mm में, उस mm को हम इंडेक्स की तरह यूज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इंडेक्स की तरह उसको यूज कर लिया है और यहाँ पर हम केस क्रिएट करना चालू करते हैं। तो केस वन में मैंने लिखा सी आउट हैंडल जनवरी इस तरीके से, और फिर मैंने लिखा ब्रेक इस तरीके से। मुझे 12 केसेस बनाने पड़ेंगे, कितने केसेस बनाने पड़ेंगे 12। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करेंगे। क्लियर है? ऐसा हम इसको 12 बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी 12 कॉपी क्रिएट कर लेते हैं हम। ये मैंने कॉपी किया और मैंने फिर मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर फिर एक बार मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से ये 6 कॉपी क्रिएट हो गई है और 6 के बाद मैंने इस 6 को कॉपी किया और फिर 12 कॉपी हमारी क्रिएट हो जाएगी और 12 केसेस हम यहाँ पर तुरंत बना चुके हैं। यहाँ पर हमें डिफॉल्ट केस भी बना सकते हैं, पहले हम 12 केसेस को डिफाइन कर देते हैं।
केस नंबर अगर टू है, केस टू है तो सी आउट में आपका आएगा जनवरी के बाद फेब, उसके बाद यहाँ पर हम इसको लाइन से करते जाते हैं, थ्री किए, फोर किए, फाइव किए, यहाँ पर आपका ये है आपका सेवन, ये है एट, ये है नाइन, ये है टेन, ये है इलेवन और ये है आपका ट्वेल्व, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने डिफॉल्ट केस भी क्रिएट कर दिया है और डिफॉल्ट केस में आपने यहाँ पर लिख सकते हो सी आउट एंडल ब्रेक लगाया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ब्रेक को अंदर कर देते हैं ताकि केसेस हमको क्लियरली दिखाई दे। इस तरीके से हमने स्विच केस में ये डिफाइन कर दिया कि कौन कौन से मंथ इंडेक्स में क्या क्या मंथ यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर थ्री में हम डिसाइड कर देते हैं मार्च। आपने ये प्रोग्राम पहले भी सी में बनाया है या किसी और लैंग्वेज में बनाया होगा? यस सर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कुछ यहाँ पर एक शायद मिसिंग है। तो इस तरीके से हमारा ये दिसंबर आ गया है, मैचिंग हो गई है और हमारा कोड रेडी है। हम देखेंगे कि एक फंक्शन हमने बनाया है शो मंथ, ठीक है, इसका यूज करके देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे तीन डेट बनाते हैं, पहली डेट D1, D2 और D3। तो हमें पता है कि D1 में हमने इनपुट लिया, D2 में इनपुट लिया और D3 में कुछ इनपुट नहीं लिया है। मैंने जानबूझ के इसमें इनपुट नहीं लिया ताकि इनवैलिड डेट वाला जो है आपको आए। तो D1 में पहले कोई भी डेट होगी, D2 में कोई भी डेट होगी और D3 में कोई डेट होगी। तो D3 में मैंने ब्लैंक रखा, यानी D3 की जो डेट होगी वो 000 होगी, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ D1.showMonth, D1 में जो डेट है उसका मंथ बताइए, D2.showMonth, D2 में जो डेट है उसका मंथ बताइए और D3.showMonth, D3 में जो डेट है उसका मंथ बताइए, क्लियर है। तो देखिए मैं यहाँ पर स्विच केस को क्लास के अंदर रख दिया तो उससे क्या हुआ, मेरा जो ये डेटा टाइप था अब एक लाइन लिखते ही मुझे यहाँ पर उसका मंथ कैलकुलेट होके मिलने लग गया और इसी को एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। देखिए मैं शो मंथ लिख दिया, अंदर क्या हो रहा है डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी जानने की जरूरत नहीं है, बस शो मंथ लिखा और मुझे आउटपुट मिल जाएगा मंथ। कैसे हो रहा है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है नहीं मालूम। यहाँ पर फिलहाल मेन का कोडिंग और ये दोनों क्लास की कोडिंग हम दोनों खुद ही कर रहे हैं इसलिए हमको दोनों चीज पता है। लेकिन आप जब उसको किसी कंपनी में काम करेंगे या कहीं पर रियल एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ ये मेन वाला कोड दिखाई देगा, D1 के अंदर क्या कोड है वो दिखाई नहीं देगा, डेट के अंदर क्या कोड है वो दिखाई नहीं देगा, वो कोई और किया होगा और उसने ऐसा बना दिया होगा। तो आप इतना छोटा सा कोड लिख करके मंथ वगैरह कैलकुलेट करा सकते हैं। तो इसको देखिए, फोकस करिए, यहाँ पर ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है डेट, इसके तीन ऑब्जेक्ट है D1, D2, D3, ये सेम वैसा ही है जैसे हम इंट ABC लिखते थे, फिर D1 में कुछ वैल्यू ली हमने, D2 में कुछ वैल्यू ली, D1 को प्रिंट कराया, D2 को प्रिंट कराया और D3 में कोई वैल्यू नहीं ली हमने। तो जब उसको प्रिंट कराएंगे तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू यानी कंस्ट्रक्टर कॉल होके 000 दे देगा। तो D1 का मंथ प्रिंट कराया, D2 का मंथ प्रिंट कराया और D3 का मंथ प्रिंट कराया, क्लियर है। तो हम इसको देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले हम ध्यान दीजिए, यहाँ पर देंगे 1 नवंबर,
यहाँ पढ़ देंगे 1 दिसंबर और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। क्लियर, रन करते हैं इसको। तो हमारी जो पहली डेट है हम देंगे 1 नवंबर, याद रखिए 1 नवंबर 2020। दूसरी जो डेट है वहां पर हम देंगे 1 दिसंबर 2020। और तीसरी डेट में कोई इनपुट नहीं मांगा जाएगा, यानी अभी एंटर करते साथ ही आपको आउटपुट दिखने वाला है। तो मैं एंटर कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर 3 डेट प्रिंट हुई है, 1 नवंबर 2020, 1 दिसंबर 2020 और उसके बाद है 000। और नीचे में क्या प्रिंट हो रहा है, देखिए पहले वाले का मंथ, दूसरे वाले का मंथ और तीसरे में इनवैलिड डेट। क्लियर है, तो ये जो मंथ ऑटोमेटिक जो है वो प्रिंट हो जा रहा है, जो भी आप डेट दे रहे हैं उसके हिसाब से। मैंने 3 डेट दिया, तीनों में अलग अलग डेट दी, एक में नवंबर दिया, एक में दिसंबर दिया, एक में इनवैलिड कुछ नहीं दिया, तो तीनों को वो मंथ कैलकुलेट करके निकाल दे रहा है। जबकि आपके मेन में कोड कितना सिंपल है, तो हमने स्विच केस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर स्विच का कोड एज इट इज वैसे लिख दिया जैसे आपने पुरानी लैंग्वेज में पढ़ा था। इसका सिंटेक्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं है, केवल हमने इसको C++ की क्लास के अंदर एक फंक्शन में लिखा है और इसको हम उस फंक्शन को कॉल करके यूज कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप सारे लूप, डू, व्हाइल, फॉर लूप, इफ एल्स, उन सभी टाइप की कंडीशंस को यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई एक फंक्शन बनाइए, उसके अंदर वो सारे कोड आपने जो पुरानी लैंग्वेज में पढ़े थे, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, सारी चीजों को आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर, तो आपको इसमें स्विच केस समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।